न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की। आईपीएल का नया सीजन शुरू होने में अब सिर्फ 2 हफ्ते का समय बचा है, लेकिन धोनी ने उससे पहले ही अपने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। जी हां, धोनी का एक फेसबुक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी नई भूमिका की तरफ इशारा किया है। धोनी ने अपने फैंस के लिए लिखे संदेश में कहा है कि नया सीजन और नई भूमिका का इंतजार नहीं कर सकता, साथ बने रहिए। धोनी ने इस पोस्ट के जरिए अपने फैंस को सस्पेंस में डाल दिया है और वे कई तरह की अटकलें अब लगा रहे हैं। धोनी ने इस पोस्ट में आईपीएल का जिक्र नहीं किया है, लेकिन उनके फैंस इसे आईपीएल से जोड़कर ही देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स का मानना है कि धोनी इस बार आईपीएल में ओपनिंग कर सकते हैं। वहीं कुछ यूजर्स कयास लगा रहे हैं कि धोनी संन्यास लेकर टीम के कोच की भूमिका में आ सकते हैं। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि आईपीएल का ये सीजन एक खिलाड़ी के तौर पर धोनी का आखिरी सीजन होगा। धोनी ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि वे इस साल आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कप्तानी करेंगे या नहीं। आईपीएल का 17वां सीजन 22 मार्च से शुरू हो रहा है, जिसकी शुरुआत पिछली बार की चैंपियन टीम चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मुकाबले से होगी। 42 साल के धोनी ने बतौर कप्तान पिछले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स को 5वीं बार आईपीएल का खिताब दिलाया था। पिछले सीजन में धोनी ने ज्यादातर मैचों में आखिर में आकर अपनी टीम के लिए बैटिंग की थी। धोनी ने 15 अगस्त 2020 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था, लेकिन आईपीएल में उनका खेलना जारी रहा है। फिलहाल धोनी के नए सीजन और नई भूमिका वाले पोस्ट को लेकर सस्पेंस बन गया है कि आखिर धोनी क्या नया करने वाले हैं। हालांकि धोनी ने खुद ही ये इशारा कर दिया है कि वे जल्द ही इसके बारे में अपने फैंस को बताएंगे। धोनी के इस नए कदम को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। धोनी को लेकर कितनी एक्साइटमेंट है, क्योंकि मुझे लगता है धोनी कप्तान रहे ना रहे, मन में आज भी धोनी कप्तान लगते हैं। नहीं, धोनी का तो जो क्रेज है वो तो एनी टाइम रहेगा ही, ठीक है, चाहे धोनी खेले चाहे ना खेले, ठीक है। लेकिन हम एज अ फैन तो धोनी को तो हम उसमें करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है। बट एक चीज और भी है कि जिस हिसाब से उनकी एज अभी बढ़ रही है, ठीक है, अब फैंस तो ये चाहेंगे अगले पांच सीजन भी खेले, 6 सीजन भी खेले, बट वो तो उनका ये कि अपना पर्सनल ओपिनियन है कि वो खेले ना खेले। लेकिन हम इस बार चाहेंगे एटलीस्ट लास्ट जो है ना, एक जो जितने फैन फॉलोइंग है, एक फैंस के लिए एक वो रहेगा कि मतलब कि हाँ उन्होंने। मुझे लगता है धोनी के फैंस तो कभी चाहते ही नहीं होंगे कि धोनी संन्यास ले, हमेशा चाहते होंगे कि वो एवरग्रीन बल्लेबाज बन के विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी करते नजर। मैं इतना खुश हूँ कि आज माही जी अपना ये पोस्ट किए हैं, तो आने वाले टाइम में 2024 के आईपीएल में वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और उन्होंने पहले भी बहुत बेहतर हमारे इंडिया के लिए वो बेहतर खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं एसेट भी हूँ उनके लिए, वो अपना अच्छा खेले। जैसा कि 5 साल चेन्नई सुपर किंग वर्ल्ड आईपीएल की ट्रॉफी ले गई है, और हम फैन यही चाहते हैं कि धोनी का ये लास्ट सीजन है, और ये सीजन भी धोनी अब की बार हमारे फैंस के लिए 6वीं बार कप जीते आईपीएल का, हम बहुत एक्साइटेड है इस बार धोनी को देखने के लिए, लास्ट सीजन रहेगा धोनी का, और इस बार सोच रहे हैं कि 6वीं बार महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग के लेके आए। मैं तो आपको ये कहना चाहूंगा कि जब ये लास्ट आईपीएल जब था तो बीच में थोड़ा रुक भी गया था, फिर वापस वो मैं 2-3 बजे तक खेला था, मतलब कि उन्होंने खेला था, तो मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है धोनी, मतलब मैंने क्रिकेट देखना उनकी वजह से देखा है, सीखा है, मतलब मुझे लगता है इन्होंने जब स्टार्ट में जब आए थे जब बड़े बाल थे, और जब जा भी रहे तो बड़े बाल है। 2007 का जो वर्ल्ड कप था ना, 141 रन का टारगेट था और धोनी ने वो वर्ल्ड कप फाइनल जीता था। उसके बाद फिर इतने दिनों के बाद 2011 में वर्ल्ड कप जीता, तो बहुत से ऐसे मैच देखे हैं जो फंसे हुए होते हैं, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, उसका नाम है हमारा महेंद्र सिंह धोनी।